पहले हमारे इलाके में हम स्प्रिंग से पानी लाते थे, वो जो होते हैं कश्मीर पर नाग तिमन वनान, हम वहाँ से लाते थे वो पानी वगैरह दूसरी जगहों से, फिर उनको बॉयल करके करके हमें पीना पड़ता था। लेकिन जब से ये जल जीवन मिशन एक उम्मीद की किरण आ चुकी है हमारे दिलों में, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब का एक बहुत ही अच्छा मिशन है कि हर घर जल, हमारे इलाके में भी बन गया, ये आप देख सकते हो हमारे पीछे बन रही है ओवर हेड टैंकी बन रही है, साथ ही में इसके साथ ही एक ये बनेगा वाटर सप्लाई स्कीम भी बनेगी, और ये जो बनने जा रही है ये हमारी वाटर सप्लाई स्कीम, ये हमारे पूरे इलाके को सैराब करेगी, साथ ही साथ जो इसके अड़ोस पड़ोस में गाँव हैं उनको भी ये पानी मिलेगा। तो बहुत ही अच्छा एक मिशन है जल जीवन मिशन। ये जो प्रोग्राम है जल जीवन मिशन का, ये तो बहुत अच्छा मिशन है, जिसे तो लोगों को, जिसे तो इस पॉपुलेशन को, इस जनता को फ़ायदा मिले, ये तो अच्छा प्रोग्राम है। हम बहुत मशकूर हैं इस सरकार के, इस नरेंद्र मोदी साहब के, जिसने ये मिशन जल जीवन मिशन की स्कीम बनाई। यहाँ के लोग, यहाँ का जनता बहुत खुश है इस मामले में। यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन आई, सारी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ आई, हमारा होनहार डीसी डिप्टी कमिश्नर पुलवामा यहाँ आया, उसने यहाँ ये तो देखभाल की इसकी, इसने बहुत प्रेशराइज किया डिपार्टमेंट को, इसको मुझे जल्द ही जल्द तैयार करके दे दो। काम बहुत तेज़ी से चल रहा है, इसे आप कह सकते हैं हम मिशन मोड में काम कर रहे हैं। ये है जल जीवन मिशन, तो मिशन मोड में जो काम होते हैं इसमें जो है मतलब 24 आवर्स यू कैन से काम होते हैं, दिन रात काम चल रहा है डेली बेसिस पे। हमारे यहाँ FHTC हम उसको अपलोड करते हैं और इसकी सारी मॉनिटरिंग जो है वो सेंटर में हो रही है, मतलब आप कह सकते हैं दिल्ली में हो रही है। तो मॉनिटरिंग सेंट्रल लेवल पे हो रही है, हम डेली बेसिस पे इसकी रिपोर्ट जो है वो उनसे शेयर करते हैं। तो ये काम मिशन मोड पे है और बड़ी तेज़ी से चल रहा है और बड़ी मतलब जल्दी ख़त्म भी हो जाएगा।